समझ नहीं आ रही आजकल हमारी टीम को पता नहीं क्या हो गया। क्यों क्या हो गया? एक तो केस नहीं आ रहे और दूसरा ये पिनौती, ये हर वक्त परेशान रहता है। ये तो शुरू से पिनौती है, देखो इसकी शक्ल परेशान बैठा, देखो हुआ क्या है। मुझे पता है सर को, सर मैं अपने घर का नवाज शरीफ बन गया। वो कैसे? सारा दिन जलील होता। वो हमारा लीडर है। क्या सर आप भी यार, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया यार। तुम झगड़ा सर, एक तो यार हमारे पास केस नहीं सर, इसी वजह से मैंने कहा केस नहीं आ रहा, झगड़ा कर लें। मैंने सर आराम से बात की, ऊपर से ये चढ़ चढ़ के आ रहा है। यार जलील हो रहा है आपका, मुझे डिट रहा है। मैंने मिसाल दिया सिर्फ के मैं नवाज शरीफ बन चुका हूँ, घर वाले जलील कर रहे हैं। सुबह से नाश्ता एक तो बीबी ने मुझे दिया नहीं। क्यों? इसलिए कि आजकल कोई केस भी नहीं है। मुझे नाश्ता दिया तो जलील करके दिया, इसी वजह से कह रहा था नवाज शरीफ जलील है यार। यार बदनाम, मेरा मोबाइल आवाज आ रही है, कहाँ है? अरे यार मेरा मोबाइल, तुमने हेलो एसीबी स्पीकिंग। हाँ यस। हाँ अच्छा अच्छा हाँ, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, मैंने समझो कि बड़ा केस है। ठीक है हम आ रहे हैं। ठीक है आप वहीं पे खड़े हो जाएं। ठीक है सही। क्यों सर? सर को टेंशन वाली बात तो नहीं है? दया अभिजीत, इतने दिनों बाद हमें ये केस मिला है, इस पे जान लगा देनी है, पर इसको सॉल्व करेंगे सर, करेंगे सर, बिल्कुल अपनी जान दे देंगे, लेकिन केस सॉल्व लाजमी करेंगे। एक मिनट एक मिनट, क्या है इधर? यही कहीं आई होंगी वो, क्योंकि उसने बताया था यही लोकेशन है। वो वहां से उड़ी होंगी और यहाँ पे आई होंगी। सर ये जगह डेंजरस लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। अभिजीत नहीं, क्या उड़ी होंगी क्या आई होंगी बताओ तो सही। लड़कियां मक्खियां क्या थी? मधुमक्खियां। सर मधुमक्खियां, मैंने कहा कोई मर्डर हो गया, कोई बंदा मर गया, शायद की मक्खियां मधुमक्खियां वही। कैसे केस लेते हैं इधर यार, कैसे कैसे आपको फोन आते हैं? जी तुम नहीं समझोगे, हम सीआईडी हैं। सीआईडी को कोई भी केस मिलता है हमें बस सॉल्व करना है कि यहाँ पे मधुमक्खियाँ कहाँ कहाँ बैठी हैं, एक एक पकड़ के हम उसको देंगे। किसको? जिसने हमें फोन किया था। वो किधर है? वो इनके डर से भागा हुआ है, उसने कहा कि मैं उस पंप पे बैठा हुआ हूँ। क्या यार, मक्खियाँ पकड़ते फिरेंगे। रुक जाओ दया, इस केस में एक ध्यान रखना है, जो भी मक्खी मिले हर रंग की हो और उसको देख के मैं डिसाइड करूंगा ये कौन सी मक्खी के उसके खेत से भागी है। एक एक मक्खी पकड़ो। सर उसको सैंपल की फोटो वगैरह नहीं है उसका? यार तुम पकड़ो। सही है सर, ठीक है सर, डिसाइड मैं करूंगा। ओके सर, लग जाओ अपने काम में। क्या हुआ? शिट सर, क्या हुआ? डंग मार दिया सर इसने। अरे सर मक्कड़ नहीं ला सकते क्या? मक्कड़ शक्कड़ हमने इकट्ठे नहीं करने दया, हमें मक्खियों का सैंपल चाहिए कि मक्खियां यहाँ पे कौन कौन सी रहती हैं, हमें उन्हें ही पकड़ना है, ढूंढो। सर अगर मधुमक्खी पकड़नी थी तो ग्लव्स तो दे देते यार, क्या करूं यार, पैंट में भी दया। सीआईडी वाले कभी भी ग्लव्स नहीं पहनते यार। पानी तो लाओ यार। अभिजीत ढूंढो यार, ढूंढो तुम। लाल पीली नीली गुलाबी सतरंगी, क्या मक्खी पकड़ी है यार माने। वाह दया सर बहुत खुश हो जाएंगे इसको देखकर। क्या बात, मक्खी ये मक्खी है।
ये मकड़ है, मक्खी नहीं है। क्या कम से कम डंग तो नहीं मारती ना यार? यार हमने डंग वाली तो पकड़नी है। तो गुलाब तो दूर है यार, इतना लाल पीली नीली पकड़ रखी थी मैंने उसके। गुलाब की आंखें थी यार, क्या क्या यार क्या करते हो? कितनी खूबसूरत थी, लाल पीली नीली गुलाब। ओ भाई कुमार सानू का गाना ना याद आ गया था मुझे। लड़की थोड़ी पकड़नी है हमने, हमने मधुमक्खी पकड़नी है। ये केस आज सॉल्व नहीं हुआ ना तो हमें इस नौकरी से भी खारिज कर दिया जाएगा। तो अभिजीत को भी कहना, मैंने एक मक्खी तो पकड़ी। अभिजीत इधर आओ। जी सर। बस सर मिल गई, ये लगते हैं मक्खियों की मलका है। मलका ये भी बहुत खूबसूरत है सर, मुझे गाना याद आ रहा है, इस पे सुनाऊं? नहीं गाना नहीं, ये सबसे बड़ा लीडर है, लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डंग इसके देखा, ये 12 mm तक लगा सकती है घोंसड़ी को। ये क्या बे यार, ये मक्काड़ है, मक्काड़ सर, इसी को पेंट कर देते हैं यार। यार हमें मक्खी ढूंढ के लेके जानी है, जो भी यहाँ मक्खियां हैं हमने इकट्ठी करनी है। सर ये किस पागल ने आपको केस दिया है कि ये मक्खी और मच्छर पकड़ो? यार आजकल मक्खियों की बड़ी दहशत है यहाँ। क्यों? मक्खियां जिसको काट लेना उसको मुंह नहीं टेढ़ा हो जाता है। पिल्टू वाला केस आया था, वही सॉल्व कर लेते मक्खियों के बजाय। कल ये कर लेंगे पिल्टू वाला पहले। सर कितनी गर्मी, आप जलील कर रहे हैं हमें इधर। एक काम करते हैं सर, मधुमक्खी को पकड़ नहीं, इसी को पकड़ते हैं। क्या है ये मकान, इसको पेंट में जबरदस्त तरीके से कर लेता हूँ। लेबोरेटरी में ले जाओ। लेबोरेटरी में पेंट करके उनको कहेंगे ये मधुमक्खियाँ वहाँ पाई गई जहाँ आपकी सब मधुमक्खियाँ मर चुकी हैं। पैसे तो मिलेंगे। चुप रहा यार एक मिनट सर, उसको पेंट करेंगे लेबोरेटरी में जाकर बेहतरीन तरीके से, और उन्हें फोन करके ये कहेंगे कि ये जिस जगह पाई गई है ना वहाँ। ये क्या दया, मुझे गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ तो लग रही है, एक मिनट मेरी बात सुन। उन्हें कहेंगे कि ये जो जहाँ जो मक्खी आई ना वो जिंदा बात की नहीं जा सकती वापस। बस केस सॉल्व, मक्खी है भी नहीं। आइडिया हाथ में लगाओ। लगता लगा है कि उसकी मक्खियां भी नहीं भागी, उसने हमें बेवकूफ बनाया है। चश्मे वालों को बेवकूफ अक्सर बनाते हैं। तो ठीक है, जो हमारा केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है वही दया। यार सिर्फ एसीपी हिलाता है ऐसे। बात तो सुनो मेरी यार, एसीपी हिला रहे क्या यार? एसीपी सिर्फ ऐसे हिला रहा है यार, सोच रहा हूँ। एसीपी के ये खराब है, बाजू खराब है, तभी कहता तू क्यों कर रहा है। हाँ ठीक है, हिलाओ सारा हिलाओ। तो हमें वही केस सॉल्व करना है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पिल्टू वाला ठीक है, आज पिल्टू हमारे हाथों से नहीं बचा जाएगा।